अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम तीन बेसिक कंट्रोल देखने वाले हैं ब्यूजल बेसिक के। हम देखेंगे कि ये कंट्रोल हम क्यों यूज करते हैं, कैसे करते हैं और इस टॉपिक की इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन उससे पहले नीचे व्हाट्सएप का मैंने चैनल का लिंक दिया है, उसे जाकर लाजमी से फॉलो करें, क्योंकि वहां पर मैं आपको स्टडी रिलेटेड कॉन्टेंट अपलोड करती हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या सिंपल डेफिनेशन, इसके अलावा मोटिवेशनल रिलेटेड और सारा का सारा स्टडी रिलेटेड वो चैनल है। आप उसे जाके लाजमी से फॉलो करें और जैसे ही हमारे सब्सक्राइबर 1000 हो जाते हैं उसके बाद मैं वहां पर आपको फ्री में वीकली, मैं डेली नहीं कह रही, वीकली आपको लेक्चर दूंगी, ताकि वहां पर हम आपके टेस्ट ले सकें। जूम ऐप का लिंक दिया करूंगी, तो वहां पर आप जाके ज्वाइन कर सकेंगे और जो कोई भी क्वेश्चन आपके टॉपिक रिलेटेड होंगे हम उसे कवर करेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आपने लाजमी से उस चैनल को फॉलो भी करना है और शेयर भी करना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो चलें जल्दी से अपना ये टॉपिक कवर करते हैं, बहुत ही ज्यादा आसान है। दरअसल जो कंट्रोल, बेसिक कंट्रोल की बात कर रहे हैं, जो अहम है या बुनियादी कंट्रोल है जो विजुअल बेसिक हमें प्रोवाइड करता है, इसके अलावा भी प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन हम इन कंट्रोल को देखेंगे ये क्यों यूज हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये यूजर इंटरफेस अगर हमने क्रिएट करना है तो उसके लिए विजुअल बेसिक हमें कंट्रोल प्रोवाइड कर रहा होता है। अब इंटरफेस क्या है? कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जो आपके सामने स्क्रीन आती है, जिसके ऊपर सर्च बार बनी होती है, इसके अलावा आपको बटन दिखाई दे रहे होते हैं, मुख्तलिफ तरह के विजुअल एलिमेंट नजर आ रहे होते हैं, वो इंटरफेस होता है। ठीक है, वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है और यूजर फ्रेंडली होता है कि यूजर को देख के समझ आ रही है उसने क्या करना है। जैसे कि यूट्यूब है, जैसे ही आप ओपन कर रहे हैं आपको पता चल रहा है एक आइकन से ये शॉर्ट वाला पोर्शन है, इधर से वीडियो मैं देख सकता हूँ, इधर से मैं सर्च करता हूँ, इधर से मैं बोल के करता हूँ, इधर से मैं टाइप करके करता हूँ। तो वहां पर लिखा तो नहीं ना यहाँ पे टाइप करके सर्च कर लें, तो आपको देखने से समझ आ रही है, यानी वो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो इंटरफेस को हम क्रिएट करते हैं इन बेसिक कंट्रोल के जरिए। तो सबसे पहले है लेबल कंट्रोल। लेबल का मतलब है आपने लेबल देना है, यानी टैक्स डिस्प्ले करवाना है। अब ये टैक्स आप कोई मैसेज डिस्प्ले करवा सकते हैं, आप यूजर को वेलकम कर सकते हैं इस टैक्स के जरिए। अब कोई भी टैक्स शो करवाना है यूजर को, उसको हम लेबल कहेंगे। यूट्यूब की एग्जांपल दे रही हूं बार बार, क्योंकि वहीं पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो जैसे आप सर्च बार देखेंगे जहां पर आप जाके सर्च करते हैं, तो उसके आगे सर्च लिखा आ जाता है, जिसपे आप क्लिक करते हैं तो सर्च हो जाती है। अब जो सर्च लिखा आया वो एक लेबल है, ठीक है, वो एक डिस्प्ले और आपको टैक्स। और जिस जगह पर आपने इनपुट दी, आप एक यूजर हैं, आप एक एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं यूट्यूब नाम की, और जिस जगह पर आपने इनपुट दी, यानी जहां पर आपने टाइप किया कि मुझे बेसिक कंट्रोल के बारे में समझना है, तो वहां पर जहां पर आपने टाइप किया उसको हम टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल कहेंगे। दोबारा से सुनिएगा, लेबल होता है डिस्प्ले करवाने के लिए, टेक्स्ट डिस्प्ले करवाने के लिए, और यूजर से इनपुट लेने के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल यूज करते हैं। इसमें यह सर्च बार भी आ सकती है, यानी कुछ सर्च करना तो आप कुछ एंटर कर रहे हैं। इसके अलावा काफी जगह पर कहा जाता है कि अपना नाम एंटर करें, अपनी एज एंटर करें, अपना फोन नंबर एंटर करें। तो यहां पर जहां जहां यूजर कुछ एंटर कर रहा है जिस बॉक्स के अंदर, उसको हम टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल कहेंगे। तो इसके जरिए हम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। और तीसरा है कमांड बटन। कमांड बटन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोई एक्शन परफॉर्म करेगा जब इसे क्लिक करेंगे, यानी क्लिक करना एक इवेंट होगा इस बटन के साथ। और जैसे ये इवेंट होगा तो जो कोड इस बटन के साथ अटैच होगा वो एग्जीक्यूट होगा, कुछ एक्शन परफॉर्म करेगा। यानी जैसे आपने बटन पर क्लिक किया, कुछ डिस्प्ले हो गया आपको, या फिर जैसे कि यूजर ने कहा कि टेक्स्ट, दो टेक्स्ट बॉक्स हैं, आप इसमें दो वैल्यू एंटर करें, मैं आपको सम दूंगा, जैसे ही आप बटन पर क्लिक करेंगे, एक एप्लीकेशन ने कहा, ठीक है। आपने इसमें भी एंटर कर दिया, टू एंटर कर दिया एक टेक्स्ट बॉक्स में, एक में थ्री कर दिया, और जैसे ही आपने बटन पर क्लिक किया उसने आपको फाइव दे दिया। कैसे दिया? जो कोड बटन के साथ एग्जीक्यूट था वो परफॉर्म हो गया। तो इसका मतलब बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो कोड एग्जीक्यूट होगा और कुछ परफॉर्म कर देगा। तो तीन कंट्रोल बहुत ही ज्यादा आसान है, प्रैक्टिकल अगली वीडियो में देखेंगे, एग्जाम्पल करेंगे और विजुअल बेसिक में जाकर आपको प्रैक्टिकल समझाऊंगी। लेकिन ये इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो शॉर्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, और लॉन्ग क्वेश्चन समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। यानी जब हम प्रोग्राम एग्जांपल कर रहे होंगे वहां पर हम लेबल यूज कर रहे होंगे, टेक्स्ट बॉक्स और इसी तरह कमांड बटन, तो आपको पता होना चाहिए ये क्यों यूज होते हैं। तो एक मिनट में आपको समराइज करती हूँ दो तीन लाइनों में, कि लेबल आपको डिस्प्ले करवाएगा टैक्स, और जब यूजर से हमने कोई इनपुट लेनी है तो हम टैक्स बॉक्स यूज कर लेंगे, और जब हमने कोई एक्शन परफॉर्म करवाना होगा तो हम कमांड बटन का इस्तेमाल कर लेंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में प्रैक्टिकल करके देखेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और चैनल को सब्सक्राइब करके करने के बगैर मत जाइएगा, सब्सक्राइब लाजमी से करके जाइएगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे।